वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका शुभम क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पुरानी एक्सरसाइज जो हम लोग पिछले कुछ वीडियो से पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 4.3 द्विघात समीकरण। इसी एक्सरसाइज को बच्चों हम लोग पीछे से कुछ वीडियो में करते आ रहे हैं। हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चंस भी बना दिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा अपनी तैयारी करने में। पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारी पे जिद्दोजहद से आप लगे रहे बच्चों, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। शुभम क्लासेस पूरी मेहनत के साथ आपसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, एक बार आपका स्वागत करते हैं दोबारा और अपनी क्वेश्चंस की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करते हैं। 4.3 का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे द्विघात समीकरण का, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आगे बचे हुए क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश की जाती है। बच्चों आप लोग तैयार हो जाएं, पेन कलम ले लें, नोट्स बनाना अति आवश्यक है बच्चों, बिना नोट्स बनाए नहीं काम होगा, तो आप नोट्स अवश्य बनाएं। तो द्विघात समीकरण 4.3 लेक्चर नंबर 3 है बच्चों ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आ जाइए बच्चों। कल के पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने ये लगा लिया था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था कि ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए थे। आज हम लोग बात करने हैं निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पुराने पिछले वीडियो में हल कर दिया गया है बच्चों, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप अब इस देखेंगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, अगर मैं आपके सामने उसकी चर्चा करूं, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है बच्चों। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करूं, तो ये रहा, आप देख सकते हैं तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11/30, जहां पर x की वैल्यू नॉट इक्वल है -4 और 7 के। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन आपका, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया है, आप देख रहे हैं बच्चों। तो इसी क्वेश्चन को अब हमें लगाना है बच्चों, इसी क्वेश्चन को अब हमें लगाना है बच्चों। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, नोट्स ले लें, पेन ले लें, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आ जाइए बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप किसी भी विधि से लगा दीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से, या द्विघात सूत्र विधि से। लेकिन बच्चों सबसे पहले ना हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को अपने द्विघात समीकरण के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले बच्चों तिर्यक गुणा कर दीजिए, x माइनस सेवन का इसमें गुणा कर दीजिए, अब ये माइनस लिख लीजिए बच्चों, और ये x प्लस फोर का वन में गुणा करिए। तो यहां माइनस है बच्चों, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, x प्लस फोर ब्रैकेट में, x प्लस फोर किस में लिखिएगा, ब्रैकेट में। फिर नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे बच्चों आप नीचे का मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, क्या है कि x का x में इंटू करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस में इंटू करेंगे माइनस सेवन एक्स, फोर का x में इंटू करेंगे 4x, और 4 का 7 में इंटू करेंगे -28। देख लीजिएगा बच्चों एकदम क्लियर, और यहां पर हो जाएगा बच्चों 11/30। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले अपने अंश को सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों, पहले आप x माइनस सेवन, ये माइनस है, ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस फोर,
और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। देख रहे हो, एक एक स्टेप सॉल्व करो बच्चों, एक एक स्टेप। अब इधर देखो, इस यक्स से यक्स कट जाएगा, इस यक्स से यक्स कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, तो माइनस और सेवन ऐड होके हो जाएगा माइनस 11, और डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 3x, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 28, और ये हो जाएगा 11/30। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रहा है बच्चों, एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब अगर आप देखें बच्चों, तो ये 11 और ये 11 शॉर्ट हो सकता है, कैसे बच्चों, ये 11 जैसे ये 11 देखा जाए, और ये 11 को जब भी हम किसी भी पक्ष में, जैसे ये बायां पक्ष और दायां पक्ष है, ये 11 से ये 11 कट सकता है क्योंकि ये भी अंश में है और ये भी अंश में, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है, तो हम काट सकते हैं 11 वनजा, वन टाइम में कट जाएगा, ये भी 11 वनजा, वन टाइम में कट जाएगा। यानी अब आपका बचेगा क्या बच्चों, यहां पे देखिएगा माइनस 1, और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। और क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका बच जाएगा 1/30। फिर आपको तिर्यक गुणा कर लेना है बच्चों, 30 का माइनस 1 में गुणा कर दो माइनस 30, और इस पूरे स्टेप का ऊपर इनटू यहां पे कर दो, तिर्यक गुणा मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। देखिए बच्चों, एकदम सिंपल है। अब ये माइनस 38 इधर आ जाएगा, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और यहां हो जाएगा प्लस 30, क्योंकि ये माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30। अब क्या बचेगा बच्चों, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया बच्चों, तो प्लस 2 क्योंकि 30 बड़ा है। तो अब आपका देखिए, ये द्विघात समीकरण में बदल गया बच्चों। अगर आप देखें तो ये हमारा द्विघात समीकरण में बदल गया। अभी हमने केवल इसका द्विघात समीकरण में परिवर्तन कर दिया है, अब ये हमारा द्विघात समीकरण में बदल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको किसी न किसी विधि से हल कर देंगे। तीन विधि है आपके पास, जिसमें आप चाहे पूर्ण वर्ग विधि, चाहे गुणनखंड विधि, चाहे सूत्र विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से बना देते हैं बच्चों। गुणनखंड विधि क्या कहता था बच्चों, जरा याद करिए। तो गुणनखंड विधि आपसे कहता था कि सर, गुणनखंड विधि में जैसे ये 2 है, इसके आगे 1 है, तो पहले 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, और बीच में क्या है बच्चों, बीच में हमारा है 3। तो ऐसी 2 संख्या का चयन करो जिसका गुणा करने पर, ऐसी 2 संख्या लो जिसका गुणा करने पर 2 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए बच्चों, 3 आ जाए। ऐसी 2 संख्या का चयन करो जिसका गुणा करने पर 2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए बच्चों, 3। तो आपको तो मालूम है कि ऐसी 2 संख्या बहुत आसानी से मिल जाएगी, छोटी संख्या है तो तुरंत मिल जाएगी बच्चों। क्या है, 1 होगा 2 और 1 होगा 1, 2 एक कम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हमारा हो जाएगा। तो आइए इसको लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अब तोड़ दीजिए बच्चों 2x + 1x में, इसमें विभक्त कर देंगे, और यहां लिख देंगे +2। अब ये 0 कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा +2, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, अब चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो। अब क्या है इसमें और इसमें बच्चों, आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन लेंगे भाई, देखना, तो पहले x कॉमन ले लेना, x माइनस 2, फिर यहां पे माइनस 1 कॉमन ले लेना। ये पढ़े हो बच्चों आपने, अगर अपना वीडियो देखा होगा तो इसमें सारा मैंने पढ़ाया है, विधि मैंने सारी बताई है बच्चों, तो आप इसको जरा ध्यान देते रहें।
तो अब क्या करना है बच्चों, दोबारा इसमें से कॉमन ले लें, तो जीरो अब कॉमन ले लेना x माइनस टू और यहां हो जाएगा x माइनस वन। अब आपको पता है कि क्या करना है बच्चों, अब आपको भली भांति पता है कि इसका और इसका गुणा करने पर जीरो आ रहा है, यानी ये भी इसका और इसका गुणा करने पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। तो हम दिखा देंगे x माइनस टू बराबर जीरो अगर लोगे तो x बराबर टू आ जाएगा पंचांतर करने पर, या बच्चों या अगर x माइनस वन बराबर आप जीरो लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी बच्चों। तो आपके दिए गए प्रश्न के दोनों मूल आ गए, एक मूल है x बराबर दो और एक मूल है x बराबर वन। तो ये तरीका है बच्चों, ये तरीका है लिखने का भी और सवाल को करने का भी। तो आपके स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, और हमने ने ये गुणनखंड विधि पहले ही वीडियो में बताई गई है। इसके द्विघात समीकरण का वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में शुभम क्लासेस पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट में पड़ा है बच्चों। अब वहां पर ये गुणनखंड विधि बहुत आसानी से बताई गई है, आप वहां पर जरूर देखें। पूरी सीरीज को आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से आज 3.4.3 के तीसरे का दूसरा सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने उसे लगाया। तो आते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये हमारा सौर बैच और क्रैश क्रॉस का पूरा पैक एक ग्रुप चल रहा है बच्चों, कंप्लीट कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे साथ जुड़े हुए इतने बच्चों ने बहुत अच्छा किया था पुरानी परीक्षाओं में, तो आप इन्हें भी आप जानते ही हैं, आपको बताया जा चुका है। कोई भी क्वेरी है तो बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके या इस पर संपर्क करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देख लें आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि 3 वर्ष पूर्व, देखिए क्या लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान, ले लीजिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या करें, वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, एक बार मैं प्रश्न और समझा ले रहा हूं, प्रश्न को आप दोबारा देख लें बच्चों, प्रश्न को आप चाहे तो दोबारा देख लें, प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। क्या है जरा देखिएगा, प्रश्न दिया क्या है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान, ये पूर्व को ध्यान में रखना बच्चों, पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, और अब से 5 वर्ष पश्चात का जो व्युत्क्रम है उनकी आयु का 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु आपको बतानी है, रहमान की वर्तमान आयु बतानी है। आइए बच्चों बहुत आराम से हम लोग लगाएंगे, अब बस ध्यान दीजिए और अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा बच्चों। आइए देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग इसको करते हैं, देखिएगा जरा, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं। आइए बच्चों, दिया क्या है कि पहले रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं बच्चों कि माना माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बच्चों एक्स वर्ष है। मान लो कि माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, भाई वही निकालना है कि इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने बच्चों मान ही लिया कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में जब भी वर्ष उम्र के प्रश्न आए तो हमेशा मैक्सिमम टाइम ज्यादातर वर्तमान आयु लेना ही फायदेमंद है। तो हम लोगों ने ले लिया रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है।
रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। अब सवाल को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व। देखो बच्चों 3 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी ये पता करना होगा। तो आपको तो पता होगा बच्चों कि जब हम पूर्व यानी पहले जाते हैं तो उम्र कम होता है, जब पश्चात और बाद में जाते हैं वो तो उम्र बढ़ जाती है। तो पूर्व में घटाते हैं और पश्चात में जोड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लेते हैं बच्चों कि आज आपकी उम्र 16, 17 या 18 साल है, मान लेते हैं आपकी उम्र 15 साल है। तो अगर आज आपकी उम्र 15 साल है बच्चों, तो आज से 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो आपने सोचा होगा कि आज हमारी उम्र 15 साल है बच्चों, तो आज आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले आपकी उम्र कम हो जाएगी यानी 10 साल होगी, तो आपने माइनस किया घटाया। तो उसी तरह बच्चों आज आपकी उम्र अगर 15 साल है तो 5 साल बाद क्या होगी, तो सर 5 साल बढ़ जाएगा यानी 20 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है बच्चों, माना रहमान की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखेंगे बच्चों कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व, तो पहले एक्स वर्ष था तो अब हो जाएगा एक्स माइनस तीन वर्ष। देख लेना बच्चों, भाई पहले रहमान की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष थी लेकिन 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष कम हो जाएगा और x-3। अब क्या कहता है, उसका व्युत्क्रम, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो भाई 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, x-3 है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, रहमान की आयु का व्युत्क्रम जरा इधर देख लेते हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम पूछ रहा है बच्चों, तो ये भी निकाल देते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो x-3 था अब ये उल्टा हो जाएगा 1/x-3, समझ गए, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब बच्चों उल्टा होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब आपने एक काम तो कर लिया, एक काम बड़े आसानी से आपने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब आते हैं, अब उसने क्या कहा है, 5 वर्ष पश्चात, देखो 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब आगे उम्र बढ़ जाएगी, तो यहां लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा जरा देख लीजिए कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात देखिए बच्चों, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, भाई रहमान की वर्तमान आयु यक्ष है बच्चों, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र बढ़ जाएगी यानी x+5 वर्ष। अब आगे देखिए बच्चों क्या है कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 है, इसका व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम भी लिख देते हैं बच्चों। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/x+5 ये होगा। देख लो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि एकदम सिंपल तरीके से मैंने सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है
केवल प्रश्न क्या कह रहा है अब हमको वही करना है बच्चों। देखिए जरा पहले क्या देखेंगे, इधर देख लेते हैं बच्चों। माना रहमान की वर्तमान आयु यक्स वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यक्स माइनस 3 और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x-3। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, क्योंकि x है वर्तमान है तो पश्चात यानी x प्लस, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x+5। अब देखो अब लॉजिक क्या है, कहता है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का बच्चों योग, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/3। इसके व्युत्क्रम का योग कितना है बच्चों 1/3। 1/3 मतलब इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे, इनके व्युत्क्रम का उपयोग करेंगे, इनके व्युत्क्रम को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो 1/3 आना चाहिए। 1/3 क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए बच्चों, 1/3। तो आइए आइए फटाक से हम लोग देख लेते हैं इनके व्युत्क्रम का योग, जैसे मतलब 1/x-3 और 1/x+5 के व्युत्क्रम का उपयोग करेंगे अगर बच्चों, हम इनके व्युत्क्रम का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। चलिए भाई तो देख लीजिएगा बच्चों, तो इधर आते हैं, अब इधर आ जाते हैं। तो आपने देख लिया, क्या देखा बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, आपको मैंने बता दिया था कि क्या बताया था मैंने, आप इसको देख सकते हैं कि इनके व्युत्क्रम, तो उसका उम्र कितना था 1/x-3 था बच्चों। अब देख लीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसकी आयु का व्युत्क्रम क्या था 1/x-3 और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/x+5 और इनका जो योग है वो कितना है 1/3। देखो यही है, ये मैंने आपको बता दिया, बस अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस द्विघात समीकरण में बदलना है और सवाल को हल कर लेना है। चलिए बच्चों शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो x+5+ इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा x-3 और नीचे का गुणा नीचे करेंगे बच्चों, तो x² - इसमें गुणा करेंगे तो 5x, इसमें गुणा करेंगे तो 3x और 5 * 15। देख लिए बच्चों तिर्यक गुणा हुआ है, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा इसमें और नीचे का गुणा नीचे, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक गुणा। अब आ जाओ बच्चों यक्ष को यक्ष में ऐड करोगे 2x+ 5 - 3 जाएगा कितना 2। नीचे देखो अब ये हो जाएगा बच्चों यक्स स्क्वायर, 5x और 3x ऐड होके कितना हो जाएगा -8x और ये क्या हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा 1/3। चलिए अब आगे यहां सॉल्व करते हैं बच्चों, तो अब देखो अब फिर तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा ऊपर होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा केवल ऊपर कर दीजिएगा और इसका गुणा इधर कर दीजिएगा, तो 3 का गुणा उधर करेंगे तो 3 × 6x + 3 × 6 और इसका गुणा इधर करोगे बच्चों तो x² - 8x+15। क्यों, क्योंकि 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सबका इसको सेक्शन बदलो, इसको इधर लेकर आओ और इसको भी इधर लेकर आओ, देख रहे हो दोनों को इधर लेकर आ जाओ, तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा x² - 8x+15 और ये आएगा -6x - 6। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों x² - 8x और इधर सॉरी इधर देखो थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या है बच्चों थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, -8x और -6x जुड़ जाएगा तो -14x और 15 - 6 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, अगर -8x और -8 = 14x 15 - 6 अगर 6 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा देख ले बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 15 और 15 - 6 = 9, 15 - 6 = 9।
आ जाओ बच्चों, लेकिन अब यही है हमारे पास सवाल। अब इसका हमें गुणनखंड करना होगा, तो क्या ऐसे दो संख्या चयन करनी होगी जिसका गुणा करने पर बच्चों 9 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 14, तो ऐसी संख्या तो कुछ है नहीं। तो क्या हम लोगों ने कहीं त्रुटि कर दी है क्या? एक बार देख लेते हैं दोबारा बच्चों कि कहीं हम लोगों से गुणा करने में x+5 और x-3 व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात इनके 1/3 है, ठीक है। तो 3 × 6 और फिर 3 × 6 और इधर गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, मुझे लगा यक्स का स्क्वायर और ये 5x होगा, तो बच्चों ये +5x होगा। यही एक छोटी सी त्रुटि हो गई जिसकी वजह से हमारा समीकरण बन रहा था। तो 5x में से 3x जाएगा ना बच्चों, तो यहां थोड़ी सी गलती हो गई, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x। तो यहां से मैं दोबारा बता दे रहा हूं, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, इसीलिए हमारा ये गुणनखंड द्विघात समीकरण बन नहीं रहा था। तो आप इधर देखिएगा, क्या आपका ये जो है ना बच्चों, जब x का 5 में करेंगे तो 5x होगा, तो +5x -3x -2x होगा, -2x। करेक्शन हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चिन्हात्मक त्रुटि हुई है, तो हम लोगों ने इसको करेक्शन कर लिया। अब इसको हम दोबारा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो बच्चों सेम 6x+6, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो x² - 2x -2x+15। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो 0, ये x² - 2x+15, ये इधर आ जाएगा तो -6x, और ये भी इधर आ जाएगा तो -6। बहुत अच्छे, अब इधर देखो x² - 6 - x -8x, और 15 में से 6 गया तो बच्चों 9। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं बच्चों। तो आओ हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। आपको भी पता होगा इसका गुणनखंड क्या होगा, ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो हम ले लेंगे एक 8 और एक 9, और एक ले लेंगे 9 और एक 9, में एक का गुणा करेंगे 9 1 कम 9, और 9 में से एक घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 8। तो हमारा गुणनखंड बन सकता है। तो आइए बच्चों शुरू हो जाते हैं। 0x² ((9x-1x+9)=0। देखिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि गुणनखंड आपने पढ़ा है बच्चों, ये सारी विधियाँ आपने पढ़ी हैं, आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है, नहीं तो आप जाके शुभम क्लासेस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने वहां पर गुणनखंड विधि जो एक्सरसाइज 4.1 है बहुत अच्छे से बड़े आराम से पढ़ाया है, तो वही चीज यहाँ पर दोबारा आ गई है। तो बच्चों तो थोड़ी सी शीघ्रता हम कर रहे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, देखते रहिएगा। तो 0 अब हो जाएगा x² (((9x-1x+9)) हट जाएगा -9x+1x+9=0। अब बच्चों क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिएगा, इसमें और इसमें क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन लेंगे बच्चों, क्या लेंगे कॉमन, आ जाइए। कॉमन लेना है बच्चों, किसी प्रकार की यहां पर थोड़ी सी समस्या फिर हो रही है, क्योंकि अब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां बच्चों हमारा चिन्हात्मक त्रुटि ज्यादा दिख रहा है, -2x - 6x - 8x हो गया। तो हम ऐसी कौन सी संख्या ले, माइनस माइनस तो गुणा करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर 8, किसी प्रकार की कुछ त्रुटि और होने की शंका है। सवाल मैंने सही लिखा था बच्चों, यहां पर एक दिक्कत और हो रही है बच्चों कि जैसे यक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ +1 कॉमन हो रहा है, तो हमारे ये दोनों पॉलिनोमियल सेम होने चाहिए थे, यहां पर फिर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है। दोबारा देख लेते हैं। हाँ बच्चों एक गलती मुझसे बार बार हो जा रही है, माइनस प्लस का यहां पर गलती होगा, तो ये प्लस हमने कर दिया है, देखो इसको भी सुधारना पड़ेगा। आज बच्चों थोड़ी सी डिस्टरबेंस माइनस होगा, ये इसी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही है, तभी मैं कहा चिन्ह क्यों नहीं सही हो पा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों,
थोड़ा सा चिन्हात्मक माइनस 15। अब 15 में फिर 6 जोड़ोगे तो ये माइनस, यहां पे फिर से हम कर देते हैं बच्चों, यहां से दोबारा देखते हैं बच्चों, इसमें एक चिन्हात्मक त्रुटि, मैं आपको दोबारा यहां से पूरा बता रहा हूं, हम लोगों ने जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमारा चिन्हात्मक बहुत गलत हो रहा है। आइए बच्चों दोबारा यहां से देखिए, चिन्ह की गलती की वजह से हमारा द्विघात समीकरण सेट नहीं हो पा रहा था, तो फटाक से देखिए, इसका इसमें गुणा की x प्लस 3, इसका इसमें की x माइनस 3, इसका इसमें करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का करेंगे तो माइनस 3x, और जब अब इधर देखिए x का स्क्वायर और फिर माइनस का कर दिए 3x, फिर x का जब 5 में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5x, और जब माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस 15 होगा, यही हम लोगों से शायद गलती हो गई थी। ठीक है बच्चों अब आते हैं इसको सुधारते हैं, तो एक्स एक्स ऐड होके कितना हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा, अगर 5 में से मेरा 3 जाएगा तो बच्चों यहां हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस 15। एक बार देख लीजिए यहीं पर त्रुटि हो रही थी, दोबारा मिला लेते हैं, x का x में इंटू किया x स्क्वायर, माइनस 3 का इसमें किया माइनस 3x, फिर x का 5 में किया तो 5x, माइनस 3 किया 15। ठीक है बच्चों अब यहां लिखेंगे 1/3, अब 3 का इसमें करेंगे बच्चों तो देखिए क्या होगा 6x प्लस 6, और इसका इधर करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे बच्चों, तो जब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। अब इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6x में से 2x जाएगा तो माइनस 4x, और 15 में 6 जोड़ के कितना हो जाएगा 21। ये गुणनखंड द्विघात समीकरण बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। तो वहां पर चिन्हात्मक त्रुटि हो रही थी बच्चों, बार बार ध्यान नहीं जा रहा था, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक छोटी सी त्रुटि से कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, तो आप भी उतनी ही ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी ध्यान हट जाए तो उस गणित के सवालों में काफी समस्या होती है। आ जाओ बच्चों तो अब हम इसको तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर 21 और जोड़ने घटाने पर 4, तो बच्चों ये गलत है, अब आपका ये गलत हो चुका है। अब आप लोगे 7 और 3, 7 3 21 और 7 में से 3 गया कितना 4, ये है देखो बच्चों, तो यहां एक गलती हो गई थी, आप इसको देख लीजिए 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 में तोड़ेंगे, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस अंदर आएगा तो प्लस 3x माइनस 21। अब यहां पे कॉमन ले लेना बच्चों, देखो क्या ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां देख लीजिएगा, जब इसमें से कॉमन लोगे बच्चों तो हो जाएगा एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 7, आप समझ रहे हो, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 7, फिर दोबारा कॉमन ले लो तो दोबारा कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब आपको मालूम है कि अगर एक्स माइनस 7 बराबर 0 तो एक्स बराबर 7 होगा, और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस 3, यानी माइनस 3 नहीं लेना है, यानी उम्र उसकी क्या है, इसकी वर्तमान आयु 7 साल है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है बच्चों, तो आपको यहां पर ध्यान देना। क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको इसका पूरा द्विघात समीकरण बनाया और इसको पूरे सवाल को लगाया, तो आप भी ध्यान से थोड़ी बारीकी देखिएगा कि यहां पर गुणा करते वक्त गलती मत करिएगा जैसे हमने गलती किया था और काफी परेशानी हुई समझने में। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी गलती होती है तो हमारा द्विघात समीकरण फिर परफेक्ट नहीं बनता, जो हमारे लिए एक समस्या का है। तो आपको बड़ा सटीक चिन्हों का ख्याल भी रखना है और तब जाकर गुणनखंड विधि आपको एकदम अच्छे से लगानी है। क्लियर हो गई बच्चों, तो इसका आंसर है 7 साल, इसका मतलब कि जो रहमान है, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 साल, ये माइनस वाला मत लेना बच्चों, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने, पॉजिटिव वैल्यू, तो रहमान की आयु कितनी है 7 साल। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोगों ने काफी मेहनत करके निकाल लिया। आया बच्चों समझ में,
आपको समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए बच्चों, समझने पे ज्यादा ध्यान देना है भाई। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलते हैं बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना समय गवाए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड बच्चों, ये देखा यार का उधर, आ गया बच्चों। हाँ चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 82। गुणनफल कितना हो, 182। आ जाइए, आइए हम लोग इसको लगाते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं। जैसे इधर देखो बच्चों, एक छोटा सा चीज समझते हैं पहले। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि एक संख्या 10 है, समझिए बात में कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का योग 10 है। छोटी संख्या से समझो तो तुम्हें समझ में आएगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर समझिएगा कि अगर दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 10। मैं बोलूं कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बिना समय गवाए तुरंत बता देंगे कि सर दूसरी संख्या 6 है। अगर दो संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या 6 होगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, ये 6 आया कैसे, ये दूसरी संख्या हमारी आई कैसे। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया जाए, एक संख्या दी जाए, तो दूसरी संख्या योग माइनस पहली संख्या क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, योग माइनस पहली संख्या करने से आती है। तो योग है 10, पहली संख्या है 4, 10 में से 4 गया, क्या आ गया, 6। तो ये आपको याद रखना है कि योग माइनस पहली संख्या, ये हमें दूसरी संख्या का पता बताता है, दूसरी संख्या का। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम इसी पे लगाने वाले हैं बच्चों, जो हम इसी पे क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बोला है कि दो संख्या है हमारे पास और दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो हल करते हैं बच्चों, माना पहली संख्या x है, अच्छा बच्चों अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, तो आप बता सकते हो कि दूसरी संख्या, अभी मैंने बताया योग माइनस पहली संख्या, तो योग कितना है बच्चा, क्वेश्चन में देख सकते हैं बच्चों 27, और पहली संख्या क्या है x, तो आ गई तुम्हारी दूसरी संख्या भी। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब बच्चों देखो, प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। तो एक संख्या x है, एक संख्या ये है, इनका गुणनफल। तो देख लो बच्चों, x गुणे 27 माइनस x, जब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 182। अब गुणा करिए, x का 27 में गुणा करेंगे 27x, फिर x का x में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 182।
क्लियर है, एकदम आसान है, देखिएगा कोई दिक्कत, आराम से बस देखते रहिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पंचांतर इधर करेंगे, तो इधर हो जाएगा जीरो, इधर हो जाएगा 182, ये माइनस इधर आएगा बच्चों तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 27x। इसको जरा हम अवरोही इसको घटते क्रम में लिख देते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, पूरी तरह से बन गया द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। बराबर जीरो आ जाओ। तो अब हम लोग इसमें गुणनखंड विधि लगाएंगे, बहुत अच्छा विधि है गुणनखंड विधि। जब तक हमें कोई विधि बोल ना दे तब तक हम फ्री रहते हैं बच्चों, जो मन में आए वो गुणनखंड लगा सकते हैं, जो मन में आए जो विधि लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग गुणनखंड विधि लगाने जा रहे हैं और इस सवाल को भी गुणनखंड विधि से ही बनाने जा रहे हैं। तो आपने इसको ध्यान दिया होगा किस प्रकार पहली संख्या x और दूसरी संख्या निकाली गई और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। तो आइए बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें दो संख्याएं सिलेक्ट करनी है बच्चों। देखो क्या दो संख्याएं सिलेक्ट करनी है, ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 27। तो आओ इधर देख लो, मैंने आपको विधि बताई है कि जब बहुत बड़ी संख्या रहे तो परेशान मत होना, 182 काटो जरा। तो दो से काटा, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 7 से काटा तो ये 13 बार में कट गया, और 13 से काटा एक बार में तो 7 2 14 और 13 मिल गया बच्चों। 14 और 13 मतलब 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182। तो आ जाओ बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट में विभक्त करना, 14x + 13x ब्रैकेट क्लोज्ड 182 = 0। बच्चों इन दोनों का योग देखो 27 आया, हमारा मान नहीं बदला, ब्रैकेट खोल दो बच्चों, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन बदल जाएगा, साइन क्या होगा इनका बदल जाएगा और ये हो जाएगा 0। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। आइए यहां पर अब कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहां माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 = 0। क्यों बच्चों, कॉमन लेने का मतलब जो शेष बचता है वही लिखते हैं। दोबारा कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा माइनस 13 = 0। अब आपको पता है गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि एक बार x माइनस 14 = 0 दिखाएंगे तो x बराबर क्या उत्तर आया 14, और x माइनस 13 = 0 दिखाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। तो आ गया बच्चों कि इसकी पहली संख्या 14 होगी, अगर इसकी पहली संख्या 14 होगी तो इसकी दूसरी संख्या 13 होगी। अगर इसकी पहली संख्या तुमने ये ले लिया, अगर इसकी पहली संख्या 13 होगी तो इसकी दूसरी संख्या 14 होगी। समझ रहे हो बच्चों, तो आगे यक्ष के दोनों मूल की अगर उसकी पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर उसकी दूसरी संख्या 13 होगी तो पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। तो इस हिसाब से मैंने देखो ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिए, आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आप इसको बड़े आसानी से लगा सकते थे, बड़े आसानी से। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह इस तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। आप अपना नोट्स जरूर बनाते रहिए, घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी बच्चों कि बिना कहीं गए आप केवल शुभम क्लासेस से जुड़कर आप अपने नोट्स बनाए तो आप अच्छे और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराया जा रहा है बच्चों, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा। आप जब तक संतुष्ट पूरी तरह से नहीं हो सकते तब तक आपको बताया जाएगा। तो आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आ जाइए आपका अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है,
यदि उसको गणित में दो अंक अधिक, ध्यान से देखिएगा, अगर उसको गणित में दो अंक अधिक मिल जाते हैं, तो गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। समझ रहे बच्चों? फिर से एक बार सवाल देखिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली का गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। एकदम मिला जुला के बच्चों ना उसी तरह सवाल है कि जैसे दो अंकों का योग कितना था पिछले सवाल में, दो अंकों का योग, तो वहीं पर इस बार गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है? 30। तो हम गणित का एक्स मान लेंगे, अंग्रेजी का आ जाएगा 30 माइनस एक्स। अभी मैं बताता हूं, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा उसी के जैसा है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये किया है कि यदि उसको गणित में दो अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलते, मतलब अगर ऐसा हो जाता कि गणित में दो अंक अधिक हो जाते और अंग्रेजी में तीन अंक कम हो जाते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा, तो आप उनके दोनों अंकों का वो ज्ञात करिए, अंक दोनों विषयों का। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लो कि शेफाली के गणित में एक्स है, माना शेफाली शेफाली के गणित में प्राप्त अंक एक्स है, प्राप्त अंक कितने हैं बच्चों? एक्स है। अगर शेफाली के गणित में प्राप्त अंक एक्स है तो शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? जरा देखो, शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक देख लीजिए बच्चों, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो देखिए पिछले सवाल के जैसा ही है कि अगर गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है, मतलब गणित और अंग्रेजी को मिलाकर 30 अंक मिल रहे हैं बच्चों, तो गणित में प्राप्त अंक अगर यक्स है तो अंग्रेजी में बच्चों हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, इतने अंक उसको अंग्रेजी में मिलेंगे। क्लियर बच्चों? अब क्या कहता है, यदि गणित में दो अंक अधिक हो जाते हैं, तो आइए बच्चों अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 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 देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि गणित में दो अंक अधिक हो जाते हैं, तो देखो गणित में पहले कितने अंक थे? एक्स। अब दो अंक अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू, ठीक है बच्चों। और अंग्रेजी में तीन अंक कम हो जाते हैं, तो पहले अंग्रेजी में कितने अंक थे? इतना, तो यानी 30 माइनस एक्स, ये अंग्रेजी के अंक है और तीन अंक और कम कर दीजिए तो -3, और मिल जाते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों? 210। क्लियर हो गया? दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगणित में प्राप्त अंक एक्स थे और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार अगर गणित में दो अंक अधिक हो जाते, गणित में दो अंक अधिक, तो गणित में एक्स अंक थे, दो अंक अधिक हो जाएगा तो एक्स प्लस टू, और अंग्रेजी में अगर प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स है तो तीन अंक कम हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे 30x माइनस 3 और इनका गुणनफल 210। तब आ जाते हैं बच्चों, अब क्या थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन है, एक्स प्लस टू गुणे, देखो 30 में से 3 घटा दो बच्चों, 30 में से अगर हम लोग यहां 3 घटा दें तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 30 में से 3 गया और ये हो जाएगा 210। अब गुणा करिए बच्चों, तो x का 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 27 का 2 में करेंगे बच्चों देखो प्लस है तो ये +54, और इसमें इसमें करेंगे तो -2x बराबर 210। क्लियर बच्चों? अब आइए अब समीकरण को और बनाते हैं।
तो देखो 27x में से ये 2x जाएगा तो बच्चों 25x हो जाएगा। तो आप यहां देखना माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 54, और ये 27x में से 2x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 25x, 25x बराबर 210। थोड़ा सा और सिस्टमैटिक कर लेते हैं बच्चों, तो इधर देखो अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो पंचांतर कर लीजिए, चाहे तो सबको पंचांतर कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, ये सारा पंचांतर हो जाएगा। तो 210 एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 54 था तो इधर आ जाएगा माइनस 54, ये आपका 25x इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 25x। अब थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चों, तो पहले लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेता हूं माइनस 25x, और 210 माइनस 54, 210 में से 54 घटा देंगे बच्चों, तो बड़ा ये 210 है तो प्लस, 10 में से 4 गया आपका हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 20 15, ये आपका बन गया क्या द्विघात समीकरण। देख लीजिए ये आपका क्या बन गया बच्चों, द्विघात समीकरण, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, जिसको किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को देखें, बहुत आसानी से मैंने आपको इसको बता दिया, आपने इसको सीखा होगा, बहुत कठिन नहीं था बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था। कि आपने क्या देखा कि गणित में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, फिर उनका गुणनफल कैसे निकाला, कि अंग्रेजी में अगर गणित में 2 अंक अधिक हो जाए तो x प्लस 2, अंग्रेजी में 2 अंक कम 3 अंक कम हो जाए तो ये मैंने किया, फिर मैंने उनका गुणा करके एक द्विघात समीकरण बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण का अब गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, काफी बार पढ़ाया और आज भी मैंने बताया, गुणनखंड विधि द्वारा आप इसका उत्तर हमें कमेंट करेंगे, आप इसका उत्तर हमें हल करके दिखाएंगे, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किन किन बच्चों ने सही इसका आंसर बताया है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, जिसको हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका उत्तर निकालने का कार्य मैं आपको देता हूं, और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो जिन जिन बच्चों का सही आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम लेकर बताएंगे कि किन किन बच्चों का सही आंसर आया था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज हम लोगों ने 4.3 के कुछ अच्छे से क्वेश्चनों को, कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज किया है, आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उसके बाद मैं इसके राइट आंसर को भी शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा, और शुभम क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।